नमस्कार किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फसल बीमा की जो राशि किसानों के खातों में भेजी गई है, जिसको लेकर किसान भाई परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के खातों में तो अभी तक राशि नहीं आई है, और बहुत सारे किसान भाइयों के खाते में, किसी किसान भाई के खाते में तो 100 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से आया है, तो किसी के खाते में 360, तो किसी के खाते में 400-500 रुपये, तो किसी के खाते में 1000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से भेजा गया है। तो किसान भाइयों, किसानों के साथ में बहुत बुरा हुआ है। तो मैंने ये जो वीडियो बनाए हैं, ये किसान भाइयों ने कमेंट किया था, हमने जो पहले वीडियो अपलोड कर रखे हैं उन पर किसानों ने कमेंट किया है, और उनके साथ में बहुत बुरा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसानों के साथ में, सभी किसान भाइयों को एक समान और एक जैसी मिलना चाहिए। एक किसान भाई ने कमेंट किया था कि उनके खेत के पास के एक मेरे फिर भी उनकी फसल बीमा की राशि में 3000 रुपये प्रति बीघे का अंतर आ रहा है। तो ऐसा किसानों के साथ में नहीं होना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से समझते हैं और बात करते हैं कि किन किन किसान भाइयों ने किन तरह के कमेंट किए हैं। और किसान भाइयों, आपसे अनुरोध रहेगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को उन सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिए, उनमें भी पता चलना चाहिए कि किसानों के साथ में कितना बुरा हो रहा है। तो चलिए हम शुरू में फर्स्ट कमेंट लेते हैं। अरे भाई, दो लोगों के खेत पास पास में है, तब भी बीमा राशि में 3000 रुपये बीघे का अंतर है, ये कैसे संभव हो गया है? ये तो किसानों के साथ छलवा कांड ही है। हमने पूरे वीडियो में जो बात तुमने पूरे वीडियो में जो बात बताई है वो तो समझ आती है, पर एक ही लोकेशन पर ऐसी स्थिति समझ से परे, तो ये तो किसान भाइयों के साथ में बहुत बुरा हो रहा है कि जब एक ही मेरे खेत पास पास में है तो 3000 रुपये प्रति बीघे का अंतर तो नहीं होना चाहिए। किसान भाई के साथ में बहुत बुरा हुआ है। अगले किसान भाई का नाम है दिनेश पाटीदार, इनने कमेंट किया है, मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के गांव रणायरा में 100% नुकसान तहसीलदार ने गांव में आकर कहा था, फिर भी हमें 400 बीघा के हिसाब से पैसे मिले। तो दिनेश जी, मतलब आपके साथ में बहुत बुरा हो कि जब आपकी फसल का 100% नुकसान है और खुद तहसीलदार आकर आपसे आकर कह के गया है कि मतलब 100% नुकसान है, फिर भी 400 रुपये बीघा के हिसाब से मिल रहा है, यह तो बहुत ही बड़ा नुकसान भी है और बहुत बुरा भी हो रहा है किसानों के साथ में। कुलदीप जी पनवार ने कहा है, हमारे साथ 100 रुपये बीघा है, इसका मतलब क्या है, बाकी का कहाँ गया है? कुलदीप जी, मैं कहना चाहता हूँ बाकी का पैसा कहाँ गया ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन 100 रुपये बीघा आना ये तो बहुत बुरी बात है। इससे अच्छा तो कोई किसान भाई मजदूरी करके भी 300-400 रुपये दिन के कमा सकता है। 100 रुपये बीघा मतलब फसल बीमा की राशि भेजना, ये तो सिर्फ ऐसा हो सकता है कि किसानों की संख्या ज़्यादा बढ़ाना, 49 लाख किसान कर रखे हैं तो संख्या काउंट करना होगा। फिर अक्षय पाटीदार ने कहा है, 50 बीघा के सिर्फ 18000 ही आए हैं, 360 रुपये प्रति बीघा बड़नगर डिस्ट्रिक्ट उज्जैन में। अक्षय जी का कहना है कि उनके 50 बीघा जमीन थी, 18000 रुपये आए हैं और 360 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से आए हैं इनकी फसल बीमा की राशि। योगेंद्र बड़ोदिया का कहना है, भाई साहब मेरे केसीसी लोन है, हर साल प्रीमियम कटता है, आज 14 फरवरी हो गई है, मेरे को फसल बीमा नहीं मिला है। तो कुलदीप जी सॉरी योगेंद्र जी, आपसे कहना चाहूँगा कि आपने जिस बैंक में प्रीमियम आप भरते थे उस बैंक में जाकर आप संपर्क कीजिए, वहाँ पर आप बात कीजिए कि हम हर साल मतलब प्रीमियम भरते थे फिर भी हमें फसल बीमा की राशि क्यों नहीं मिली, आपको वही जवाब दे सकते हैं सही से। इसके बाद हम बात करते हैं, बेट बॉय पंकू ने कहा है, चुनाव जीतने के छछोले हैं ये, 54000 हेक्टर का क्यों बोला था हमने, जब भेजना 1000 रुपये बीघा ही राहत राशि देना थी, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेने का तरीका ये है सब है। तो बेट बॉय पंकू जी, आपका जो कहना है इससे मैं सहमत हूँ, लेकिन ये तो किसानों के साथ में बहुत बुरा ही हो रहा है। इसके बाद दिनेश प्रजापत ने मैसेज किया, हमारे 4000 डाले हैं 15 बीघा के, मतलब 15 बीघा जमीन के 4000 रुपये डाले, ये तो मतलब 200 रुपये के आसपास ही मतलब किसान भाई के खाते में आ रहे प्रति बीघा के हिसाब से। फिर गुजर जी ने भेजा है, 16 एकड़ में 16 क्विंटल सोयाबीन है, 90000 आए हैं, तो ये तो चलो ठीक राशि भेजी है फिर भी, लेकिन बहुत किसानों के साथ में बुरा ही हो रहा है। ये शिव डांगी का मैसेज कमेंट किया था इन्होंने, 4 बीघा में 2200 रुपये आए, मतलब 4 बीघा में 2200 रुपये आए, मतलब 550 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से इनको राशि मिली है। गणेश जाट का कहना है, सीएम के लोगों को मिला है, बाकी को तो 200 या 300 रुपये ही मिला। गणेश जी, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि सीएम के लोगों को मिला है या नहीं मिला है, लेकिन ये किसानों के साथ में बहुत बुरा हो रहा है कि जिनको 200, 300, 400 या 500 रुपये तक प्रति बीघा के हिसाब से राशि मिल रही है।
कपिल अजना का कहना है कि अरे भाई 100% नुकसान का बोल के गए थे अधिकारी और 500-600 रुपए बीघा आ रहा है हमारे साथ में। ऐसा तो जिस सब भी किसान भाइयों के साथ में हो रहा है, आपको तो फिर भी 400-500 या 500-600 रुपए के आसपास मिले। बहुत सारे किसान भाइयों को तो 100 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से भी मिला है, 100 रुपए 200 रुपए। इसके बाद दिलीप सिंह अजना का कहना है हमारा तो 1000 रुपए के हिसाब से आए हैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। फिर जगदीश गुज्जर का कहना है एक किसान को ज़्यादा हो तो एक को कम क्यों मिल रहा है। तो किसान जगदीश जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इसीलिए तो हमने ये वीडियो बनाया है कि मतलब किसानों के साथ में ऐसा बहुत बुरा हो रहा है कि किसी को अच्छी खासी रकम मिल रही है तो किसी को बहुत ही कम, तो किसी को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। इसके बाद जगदीश जी राजपूत का कहना है अरे भाई अभी तक 1 रुपये भी नहीं आया है हमारे खाते में। मैं शाहजहाँपुर ज़िले से बोल रहा हूँ जगदीश, ऐसा बहुत सारे किसान भाइयों के साथ में हुआ है जिनके खाते में पैसे नहीं आए। यदि आपने फसल बीमा करवा रखा था तो आप ज़रूर उस बैंक में जाकर संपर्क कीजिए कि हमारे खाते में पैसे क्यों नहीं आए और किस वजह से नहीं आए, आपको वहीं से जानकारी मिल जाएगी। श्याम सिंह राजपूत का कहना है भाई हमारे इधर नुकसान तो बहुत हुआ पर बीमा बहुत कम आया है, ऐसा सभी के साथ में हो रहा है श्याम जी। SPJ का कहना है कि 1000 रुपये बीघा आया है अलोट तहसील में, अलोट तहसील में ये रहने वाले किसान भाई, इनको 1000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मिला है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने कुल 10-12 कमेंट जो लिए थे जो किसानों के साथ में बुरा हुआ है उनको बताया है। तो किसान भाइयों, आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिए और इस तरीके की ऐसी आगे से नहीं होना चाहिए, किसानों के साथ में बिल्कुल सेम राशि ही आना चाहिए। और किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।